जो स्मोकी स्मोकी शेड आपको नजर आ रही है ना, वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो सिर्फ रूट पे लगाना है, वो तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको हाइलाइट चाहिए ना, तो फिर आपने ये कर, सुबह ईद की नमाज पढ़ने से आधा घंटा पहले भी आप लगाएं तो यकीन करें उसी टाइम आपको कलर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं जब भी कलर करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे तकरीबन अपने बालों पे कलर किए हुए, आप चैनल पे वीडियो भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 1 मंथ से तकरीबन 10 दिन ऊपर चले गए हैं। इतनी खास ज़रूरत नहीं थी और उसके बाद फिर रमज़ान भी था, तो मैंने सोचा कि चलें चलेगा, क्योंकि ऐश ब्लंड कलर जो हम अपने बालों को करती है ना, गोल्डन कलर, उसके साथ काफ़ी टाइम जो है वो थोड़ा सा निकल जाता है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती अपने वाइट बालों की। तो खैर, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ भी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, उन खवातीन के लिए जिनके पास सैलून जाने का नहीं टाइम मिलता, तो वो घर पे कलर कर सकते हैं, और जिनकी फैमिली में इजाज़त नहीं है कि वो कोई गोल्डन कलर करें या फिर कोई ऐश कलर करें, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी बहुत सारी रेमेडीज़ रखी हैं, तो आप विज़िट कीजिएगा। अच्छा जी, आप सब जानते हैं कि मैं अपने बालों को करती हूँ ओलिविया हेयर कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कलर है। इससे मुझे तकरीबन 1 मंथ निकल जाता है अपने बालों पर कलर करते करते। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं हम एक बाउल, और बाउल के अंदर मैं अपने फ्रंट पे ही करूँगी, क्योंकि मेरे बैक वाले जो बाल हैं ना सारे, वो सारे ऑलरेडी हुए हैं। मैं आपको कलर भी दिखाती हूँ, न्यू नहीं निकालती, यही दिखाती हूँ कि देखें मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, और बस जब थोड़ा सा रह जाता है एंड तक मैं अपने बालों को लगाती हूँ, जब तक ये ख़त्म ना हो। ऐसा क्योंकि मैंने फ्रंट पर लगाना है, तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि अगर तो मैं फ्रंट पर लगाती हूँ, फिर एक एक पार्ट जो है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वाइट बाल जो निकलते हैं। पिछले बालों पे ऑलरेडी यही कलर है, विजिट कर लीजिएगा मेरी वीडियो पे जाके, जहाँ मैंने फुल अपने बालों को कलर किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रही हूँ 12 नंबर। सबसे पहले लेंगे हम 12 नंबर, तो 12 नंबर मैं सिर्फ ओनली सिर्फ अपने रूट्स पे करूँगी, सामने फ्रंट पे करूँगी अपने बालों को, जो वाइट बाल निकले हैं उन्हीं बालों पर करते हैं, और मुझे सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए, इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मेरे फ्रंट से बाल जो है वही बाल निकले हुए हैं वाइट, तो उन्हीं के साथ हम कवर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमें ना 6 नंबर बहुत मुश्किल से मिल रहा है, 6 नंबर हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो ये वाला जो 07 कलर है ना, ये वाला 07 कलर, ये आप ले सकते हैं, ये वाला, ये भी बड़ा अच्छा कलर शेड आता है। जिनको नहीं मिल रहा वो कलर, तो वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक अलग सी बात है। अब आ जाती है बारी 6 नंबर की, स्क्रीनशॉट आप ले लें 06 की। पहले मैंने जो कलर किया है वो है 12 नंबर, ठीक है, और साथ इसमें मिक्स करेंगे 06। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखिए मैंने कलर जो है यूज़ कर करके, तो ये देखें इतना सा रह गया, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ जब तक ये ख़त्म ना हो, क्योंकि ये मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए। अगर हमने एक पार्ट इसका ये लिया ना, मीन्स के फुल कलर ये लिया, तो इसका सिर्फ एक पार्ट का आधा हिस्सा लेंगे, ठीक है। आपके सामने डाल रही हूँ, मुझे सिर्फ फ्रंट पे बाल अपने करने हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से कलर लिया, तो आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। ये मेरा काफ़ी कलर है, अभी भी ये जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, ये तकरीबन अभी मेरी, अगर मैं फ्रंट पे करूं तो 3 दफ़ा मेरा ये कलर जो है बालों का निकल जाता है। मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। ये है जी 06 नंबर, इसका आप सब जानते हैं कि डेवलपर, और इसके अलावा इसके अंदर कलर है और ये डेवलपर है, ठीक है। और ये है जी 12 नंबर का, और इसके साथ भी इसका ये डेवलपर है एक, ये और साथ इसका ये कलर है, ठीक है। अगर आपने ये ईद पे फुल करना है, अगर आपने ये कलर फुल अपने बालों पे करना है, मींस के जैसे मैंने थंबनेल पे लगाया है, अगर आपने सेम वैसा कलर करना है, तो पूरा तरीका आपको देखना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको पता चलेगा कि कलर करते कैसे हैं। अच्छा जी, ये हमने डालना है 12 नंबर। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, तो अपने फुल ट्यूब लेनी है 12 नंबर की, ठीक है। 12 नंबर की ये आपने फुल ट्यूब लेनी है, और इसके अंदर ये 06 वाला जो है वो आपने, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हिस्से,
ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो एक हिस्सा ना उसका हाफ हिस्सा आपने इसके अंदर ऐड कर लेना फुल ट्यूब में से। अगर आप 12 नंबर की फुल ट्यूब ऐड करेंगे तो उसके साथ आपने 6 नंबर का एक पार्ट का हाफ हिस्सा लेना है। समझ गए आप? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिए। ये आपने फुल ट्यूब लेनी है और 6 नंबर वाला जो है मीन्स अगर हमने इन दोनों कलरों को करना है 12 नंबर को और 6 नंबर को, ये हमने फुल ट्यूब लेनी है और ये हमने एक हिस्से का आधा हिस्सा डालना है। ठीक है, समझ आ चुकी है आपको बहुत अच्छे से। तो ऐसे हमने कलर करने हैं और सेम जितनी क्वांटिटी आपको मैं बता रही हूँ आप अगर ऐसे ही क्वांटिटी में कलर ऐड करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा कलर आएगा। अच्छा, एक और तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो पहले भी मैंने किया। अगर आपको इंस्टेंट कलर चाहिए मीन्स कि 2 से 3 दफ़ा अगर आप अपने बालों को लगाएं और आपके बालों पे बड़ा अच्छा कलर है, वो तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, डेवलपर इसका ऐड करेंगे। वैसे तो इसका डेवलपर जो है वह सेम ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसी का और इसका 1-1 टेबलस्पून आपने ऐड मींस कि अगर जो 6 नंबर वाला है ना उसका 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और जो ये आपने 12 नंबर का पूरी ट्यूब लगानी है ना तो उसके लिए ये पूरा ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके लिए पूरा ऐड करना पड़ेगा और जो 6 नंबर वाला है ना उसका एक पार्ट जो ना इसका एक हिस्सा आधा हिस्सा जितना आपने कलर ऐड किया उतना ही इसको भी ऐड करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको समझा देती हूँ। 12 नंबर की ट्यूब जो है वो पूरी ऐड करनी है, 6 नंबर का 3 पार्ट होते हैं उसका हाफ पार्ट जो है वो आपने यूज करना है। 3 पार्ट बने होते हैं उसके, जो एक पार्ट है उसका हाफ हिस्सा आपने इसका यूज करना है, फिर ही आपको ये कलर आएगा। फिर आप बार बार कमेंट करती हैं आप भी हमें कलर नहीं आया, तरीके की समझ नहीं आई, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, डेवलपर की अगर बात करें तो 12 नंबर अगर पूरी ऐड करनी है ट्यूब तो इसका ये पूरा जाएगा, तो अगर 6 नंबर का डेवलपर ऐड करेंगे तो इसका उतना ही हिस्सा जाएगा जितना हमने ट्यूब का ऐड किया। ठीक है, समझ आपको आ गई? अच्छा, ये तो बात हो चुकी है इन कलरों की, बहुत अच्छे से आपको समझ आ भी चुकी होगी। अब बात करते हैं अगर आपने अपने बालों को इंस्टेंट मींस के 2 से 3 दफा अगर आप लगाएं तो आपको बहुत अच्छे से कलर आ जाए, उसके लिए आपको ये क्यूने का 30 वॉल्यूम जो है वो यूज करना पड़ेगा। और 30 वॉल्यूम का अगर आप यूज़ करेंगे क्यूने का, मैं किसी और किसी भी कंपनी के या किसी भी ब्रांड के और मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप लें, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ और यही तकरीबन काफ़ी सालों से कर रही हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है। ठीक है, तो ये 30 वॉल्यूम जो है ये यूज़ कर लें। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं आपके बालों पर थोड़ी थोड़ी सी हाईलाइट जो है बालों पर वो आए, ताकि देखने में जैसे थंबनेल पे आपने पिक्चर देखी है अगर वो देखने में आपको अच्छी लगे, तो आप चाहें कि हमारे बालों पे वो थंबनेल वाला जो पिक्चर है उसका कलर आए, तो फिर आपने पता क्या करना है, फिर आपने ये जो 40 वॉल्यूम है ना, ये वाला 40 वॉल्यूम क्यूने का ही 40 वॉल्यूम जो है ना आपने ये यूज़ कर लेना है। और अगर आप क्यूने का 40 वॉल्यूम यूज़ करके अपने बालों पे लगाएंगे ना तो यकीन करें जैसे थंबनेल पे एक पिक्चर लगी हुई है ना उस पर ऐसा है जैसे कि मैंने कोई स्टिक्स वगैरह करवाई हुई है, स्मोकी शेड जो है, जो स्मोकी शेड आपको नज़र आ रही है ना वो 40 वॉल्यूम से है। तो यकीन करें अगर आप सारा कलर यूज़ करके फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो सिर्फ रूट पे लगाना है वो तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अगर आपने अपने बालों पे हाइलाइट्स की लेके आनी है ना लेयर्स बीच में, तो फिर आपने 40 वॉल्यूम का यूज़ करना है। और मैंने अपने चैनल पे 40 वॉल्यूम को यूज़ करके फुल बालों पे आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई हुई है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट पे ओलिविया हेयर कलर वाली जो मैंने सारी प्लेलिस्ट बनाई है वो अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको सारा रिव्यू जो है पता चल जाएगा कलर का। और 10-12 साल से मैं यही कलर यूज़ कर रही हूँ, और मैं ही नहीं, मेरी काफ़ी कज़न्स सिस्टर जो हैं यही सेम 6 नंबर और 12 नंबर जो है वो वाला 6-12 नंबर वाला जो कलर है हम ओलिविया का वही यूज़ कर रहे हैं। और सिंपल आपने ये 30 वॉल्यूम और सिंपल इसी के ये जो है कट डाउन डेवलपर वो यूज़ करने हैं, साथ में 12 नंबर और 6 नंबर कलर यूज़ करना है। अगर आपको हाइलाइट्स चाहिए ना तो फिर आपने ये कलर यूज़ करना है इसके अंदर कट डाउन डेवलपर। ठीक है, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लें क्यूने का। मुझे नहीं पता कि अब इसकी प्राइस क्या है, मैं तो पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ, लेकिन अगर आपने अपने बालों को हाइलाइट्स चाहते हैं ना कि जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रही है और मेरी ओलिविया वाली वीडियोस पे भी आपको नज़र आएगी, तो फिर आपने ना 40 वॉल्यूम का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप सिंपल कलर भी लगाएंगे ना सिर्फ इन्हीं के डेवलपर से, ये वाले से,
ये वाले से, फिर भी आपको बड़ा अच्छा सा कलर जो है वो आएगा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके वाइट बाल हैं, आपने कहीं जाना है, तो किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चांद रात को भी आप लगाएं और सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने से आधा घंटा पहले भी आप लगाएं, तो यकीन करें उसी टाइम आपको कलर आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप वॉशरूम गए, वॉशरूम जाने उधर ही खड़े होकर अपने बालों पे लगा लें, शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों पे लगा लें। सिर्फ आपने 30-40 मिनट रखना है अपने बालों को और उसी टाइम रिजल्ट आएगा और बड़ा शानदार रिजल्ट आएगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करें, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की भी दुआ करूंगी। अल्लाह हाफिज़।